मैं हूं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं कुर्ला ईस्ट में, जहां पर हमने आपको पहले भी दिखाया था कुर्ला ईस्ट और कुर्ला वेस्ट को जोड़ने वाले सबवे, जो कि बंद कर दिया गया था 30 नवंबर का अल्टीमेट देके कि अंदर जो काम चालू था उसको पूरा करके इस सबवे को वापस से अच्छी तरह से बनाकर चालू कर देने का। लेकिन आज 25 दिसंबर के बाद भी ये सबवे चालू नहीं हुआ। आपको बता दें, सबवे और ऊपर जो वेटिंग रूम और जितने भी काम थे कुर्ला स्टेशन के, 22 करोड़ रुपया लगभग पास हुआ था। लेकिन फिलहाल आप इसका मटेरियल देखोगे तो काफ़ी घटिया मटेरियल हम आपको दिखा सकते हैं कि इसमें काफ़ी घटिया मटेरियल जो लगाया गया है, वो घटिया मटेरियल लगाने के बावजूद भी अभी तक इसे चालू नहीं किया गया। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि अगर किसी को कुर्ला वेस्ट जाना हो तो रेलवे ब्रिज से जाना पड़ता है, और उन लोगों का कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रेलवे ब्रिज के जाने के बाद TCO ने उन्हें फाइन भी मारा है, क्योंकि कुर्ला वेस्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा। अब ये चालू नहीं हुआ, और ये भी नहीं, और इसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो कुर्ला वेस्ट कुर्ला ईस्ट में से चढ़ने वाला जो एक्सीलेटर होता है, इसे भी बंद कर दिया गया है। अभी कोई अगर सीनियर सिटीजन जो अगर यहाँ से आते हैं, जो चढ़ नहीं पाते, जिनको पैरों की प्रॉब्लम होती है, सीनियर सिटीजन जो आते हैं, अब ये बंद है तो उन्हें सीढ़ियों से चढ़ के ही जाना पड़ता है। और सीढ़ियाँ आप देख सकते हो लगातार सीढ़ियों में अब कितनी ऊँचा जो ये ब्रिज बना गया। हम आपको बता दें कि रेलवे में जितने घपले चल रहे हैं, जितना झोल झाल चल रहा है, वो कहीं और नहीं चल रहा है। और इस सबवे को लेके तो काफ़ी झोल झाल चल रहा है, क्योंकि ये लगातार सबवे सुर्खियों में बंधा है। क्योंकि इतना पैसा पास होने के बाद भी हमने आपको दिखाया कि कितना घटिया मटेरियल इस सबवे में यूज़ हुआ है, और जब इस सबवे में लोग जाते हैं तो उनको अंदर सफोकेशन होता है। अब उसके लिए एग्जॉस्ट फैन जो लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए, वो खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि इतना टाइम लेने के बावजूद भी इस सबवे को जब बनाया गया तो आप देख सकते हो लीपा पोती का काम किया गया है, और मटेरियल पे अगर आप ध्यान दोगे तो इतना घटिया मटेरियल इसमें लगाया गया कि ये सबवे जो इसमें टाइल्स लगाई गई है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। अब देखना ये है कि सबवे कब ओपन होता है, और लोगों को वेस्ट में जाने के लिए यहाँ से राहत कब मिलती है, और ओपन होने के बाद पता चलेगा कि अंदर किस तरह का काम हुआ है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।